हूँ स्नेह सुलोक में से अगर करता हूँ आज फिर से आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बाइक ऑफ रोडिंग टेस्टिंग करूंगा। जैसे कि मैं मेरी बाइक प्लेटिना है उसको मैं ऑफ रोडिंग में ऑफ रोडिंग रोड में कैसे परफॉर्मेंस देती है वो आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं ऑफ रोडिंग के लिए मैं मेरे फ्रेंड के खेत में जाने वाला हूँ जहाँ पे बारिश हुई है इसलिए वो बहुत ज़्यादातर कीचड़ हो चुकी है, तो हमारी बाइक कीचड़ में कितनी स्टेबल रहती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं हमारी बाइक की तरफ। आप देख सकते हो हम यहाँ से हमारी प्लेटिना की ऑफ रोडिंग टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा है कीचड़ है, तो कीचड़ में प्लेटिना की परफॉर्मेंस कैसी होगी वो आपको दिखाने वाला है। तो चलते हैं हमारी बाइक की तरफ। आप देख सकते हो पूरा रास्ता है कीचड़ कीचड़ है। यहाँ पे हम ऑफ रोडिंग करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। पहले प्लेटिना करेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको करिश्मा का भी टेस्ट करके दिखाई देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में सिर्फ प्लेटिना का ही परफॉर्मेंस आपको दिखाई पाएंगे। ये रही हमारी प्लेटिना। आप एक बार देख लीजिए हमारा पीछे वाला पहिया बाइक का पूरा कीचड़ हो चुका है। आपको एक बार उसका रास्ता दिखा देता हूँ, रास्ते पे क्या परफॉर्मेंस की उसने। बाइक पीछे देखता हूँ तो बाइक थोड़ी टेढ़ी हो जाती है इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाई। आप देख सकते हो इधर से टेढ़ी हो चुकी थी, यहाँ पर ज़्यादा तक इसने स्पिन हुई हमारा पीछे वाला पहिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो है जैसे कि पहाड़ जैसा है, छोटा पहाड़। आप देख सकते हो इधर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका है क्योंकि हमने दो राउंड लगाए इसलिए इधर। आप देख सकते हो इधर से हमने ज़्यादा ही स्पिन कर लिया। तो आप सभी देख लिया होगा कि हमारी प्लेटिना स्टेबल नहीं रही। प्लेटिना क्या कोई भी बाइक कीचड़ में स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि हम जैसे भी आगे नहीं बढ़ पाई हमारी बाइक तो हम थोड़ा सा रेस ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा करने से क्या होगा कि हमारा पीछे वाला पहिया वो कीचड़ में स्पिन होगा। स्पिन वो होने की वजह से हमारी बाइक साइड में मुंह हो जाएगी। मुंह हो जाने के बाद हमारी बाइक हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, तो आप गिर भी सकते हो। तो आप कुछ भी ऐसा घर पे करने की कोशिश मत कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं नेक्स्ट वीडियो करिश्मा पे भी लाऊंगा, जैसे कि वो बाइक कीचड़ में कितनी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। हमारे प्लेटिना तो वेट में काफ़ी कम है इसलिए वो स्टेबल नहीं हो पा रही है, तो हम करिश्मा को भी लेके जाएंगे काफ़ी कि उसके बस बाइक में वजन थोड़ा प्लेटिना से ज़्यादा है, तो वो कितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।